The vectors a and b are such that modulus of a vector plus b vector equal modulus of a vector minus b vector. The angle between the two vectors h. इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है. आज मैं इसमें आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ और इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगा. ठीक, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें. ये लिख रहा है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. देखो आपको दो वेक्टरों का एडिशन का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से कर सकते हैं इसे. ये ए वेक्टर है प्लस ये बी वेक्टर है, ये दो वेक्टरों का एडिशन है. ऐसे ही एस वेक्टर मान लेते हैं, ये दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन है. आप चाहो तो इसे ऐसे ले सकते हो ए वेक्टर प्लस एंड माइनस बी वेक्टर, बट इनका मॉडुलस लेना है हमें. कोई क्वेश्चन में मॉडुलस है मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है. तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि थीटा क्या है. एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, इसका फिगर बना लेते हैं. ठीक, तो मैंने क्या किया, ये एक वेक्टर मान लिया, ये रहा, ये ए वेक्टर है और ये वाला आपका बी वेक्टर है. थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं मैग्नीट्यूड वाइज. ये बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करें. तो ये देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, दैट मीन्स ये आर वेक्टर है. इसकी वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर के हेड को एक्सटेंड कर लें तो ये एक्सटेंडेड ये थीटा होता है. टेल टू टेल मेजर करते हैं दो वेक्टरों के बिटवीन. ये वाला एंगल टेल हेड है, ये वाला भी टेल हेड है. टेल हेड मेजर नहीं करते, हेड टेल टेल मेजर करते हैं. तो इसलिए ए वेक्टर का हेड था उसे एक्सटेंड कर लिया, हेड यहाँ आ जाएगा. ये टेल 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 एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बिटवीन एंगल मेजर करते हैं, दो थीटा. ये ए और बी के बिटवीन एंगल हो गया. अब इसका मैग्नीट्यूड लिखे हम, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है. अगर मैं इसका क्या लिखना चाहूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर का मॉडुलस निकालना है अगर हम आपको तो रूट के अंदर. फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट मींस ए स्क्वायर, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर दैट मींस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos. देखो यहां a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखा है, तो यहां कांसेप्ट होता है कि यहां एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर आएगा ऐसे, क्योंकि यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है. तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. देखो फर्स्ट वेक्टर ए है आपका, इसका मॉडुलस का मैग्नीट्यूड है ए, और सेकंड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड है बी. तो फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये ए, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. ठीक, आगे बढ़ाएं तो इसको देखो मैं ऐसे ले सकता हूँ, आर वेक्टर की जगह पे ले सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मॉडुलस लगा हुआ है इसीलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस, क्योंकि हमें मॉडुलस ही रखना है. देखो ठीक, तो ये आपका यहाँ तक आ गया. इसे सॉल्व कर लें, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. देखो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी ठीक है भाई, है ना. और एंड ऐसे ही हम s वेक्टर की वैल्यू लिख लें, a वेक्टर माइनस b वेक्टर है तो इसे लिख सकते हैं हम a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर. अब इसका फिगर बना लो. देखो डायग्राम में ही कुछ गड़बड़ कर दी हमने, जगह छोड़ी नहीं यहाँ पे. चलो मैं, माइनस बी वेक्टर है कौन सा है, माइनस बी वेक्टर है तो इसका रिवर्स बना लो बी वेक्टर का, उल्टा डायरेक्शन चेंज कर लो, मैग्नीट्यूड चेंज मत करना. अब जगह नहीं है तो इसी जगह पे कुछ गड़बड़ खराब सा हो जाएगा. ये आपका माइनस बी वेक्टर, मैंने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, और ये जो वेक्टर होगा ये वाला, ये एस वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर एस वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर. तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें तो रूट के अंदर, है ना, फर्स्ट वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर. तो फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस है आपका ये ए, तो फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर.
माइनस बी, सेकेंड वेक्टर है माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो बी आएगा बेटा। तो आपको यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना है, वेक्टर का स्क्वायर नहीं लिखना है। तो सेकेंड वेक्टर आपका माइनस बी वेक्टर है, बट उसका मैग्नीट्यूड तो बी है ना, इसीलिए सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी है, माइनस बी नहीं है, बी कॉस। बस यहाँ एंगल का कंसेप्ट होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर आएगा। जब ये माइनस है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर आएगा। और जब प्लस है तो प्लस था, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर आएगा। बस यही कंसेप्ट है। देखो इस एस वेक्टर की जगह पे लिख सकता हूँ मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट के अंदर, इसको तो ऐसे ही ऐसे लिख दो, ए स्क्वेयर ये बी स्क्वेयर लिख लो। अब यहाँ पे टू ए बी और कॉस एंगल बिटवीन ए वेक्टर, तो ये देखो ये ए वेक्टर को एक्सटेंड कर लिया, ये है माइनस बी वेक्टर, तो एंगल ये वाला होगा जो कि 180 माइनस के थीटा है, ठीक। इसीलिए यहाँ आएगा 180 माइनस के थीटा, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कॉस नेगेटिव, और इसीलिए वो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ माइनस के, टू ए बी और कॉस थीटा चेंज होता नहीं है। तो देखो ये आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर दो। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखो मैंने इसकी वैल्यू निकाल रखी है आपकी, ये रही वैल्यू, पुट करिए रूट के अंदर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है ये रही, तो रूट के अंदर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के टू ए बी कॉस थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से रूट हट जाएगा, तो रूट हटा दो, स्क्वायरिंग करने से हटाए प्लस के टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा फोर ए बी कॉस थीटा, भाई ये माइनस में से ले कटेगा नहीं, इसको तो ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा जीरो, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई जीरो। तो कॉस थीटा हो गया कितने की वैल्यू है, कॉस 90 की, कॉस से कॉस कट गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो चॉइस हो गई फर्स्ट। पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए।